इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से मेनली हम यही सीखेंगे कि एक बार कोरोना वायरस शरीर के अंदर एंटर कर गया उसके बाद ये इंसान को कैसे मारता है, यानी कि हाउ कोरोना वायरस किल्स। हमें दिखाई दे या नहीं, पर जब कोई इंसान खांसता है तो उसके मुंह और नाक से करीबन 3000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, और जब इंसान छींकता है तो करीबन 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि इस एक सलाइवा ड्रॉपलेट में, यानी कि इस एक थूक की बूंद में करीबन 20 लाख कोरोना वायरस तक होते हैं, और जब ये ड्रॉपलेट्स निकलती हैं तो करीबन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 मीटर दूर तक जा सकती हैं। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखो। पर सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस हवा में फ्लोट कर सकता है? इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब है हाँ, कोरोना वायरस हवा में तैर सकता है, पर एक स्पेशल केस में, वो ऐसे कि हमें दिखे या ना दिखे लेकिन हमारे चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड इंसान जैसे ही ड्रॉपलेट्स निकालेगा, ये ड्रॉपलेट्स इन छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स पर जाकर बैठ जाती हैं और वहाँ पे 2 से 3 घंटे तक रह सकती हैं। अब जैसे ही कोई और इस जगह से गुजरेगा तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि इन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेगा और इन्फेक्टेड हो जाएगा। क्या कोरोना वायरस हवा में तैरता है? इस सवाल का दूसरा जवाब है ना, कोरोना वायरस हवा में नहीं तैरता, क्योंकि वैज्ञानिकों को अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि कोरोना वायरस एक इंसान में से निकलकर बहती हवा के साथ उड़ता हुआ आसपास हर जगह में फैल जाए। कोरोना वायरस सिर्फ ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही फैलता है। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड आदमी से निकल के जो ड्रॉपलेट्स डस्ट पार्टिकल्स पर नहीं टिक पाती वो आसपास के सरफेसेस पर आके टिक जाती हैं। जैसे कि कोरोना वायरस ग्लास पे 96 घंटे तक रह सकता है, प्लास्टिक और स्टील पे 72 घंटे तक रह सकता है, कार्डबोर्ड पे 24 घंटे तक, एक्सेट्रा। अब जैसे ही कोई नॉन इन्फेक्टेड आदमी ऐसे सरफेस को टच करके अपने आंख, नाक या मुंह पे हाथ लगाएगा तो कोरोना वायरस उसकी बॉडी में एंटर